दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दुश्मन से छुटकारा पाने का उपाय। जी हाँ दोस्तों, शत्रु नाश टोटका, दुश्मन से बचने के उपाय, शत्रु को परेशान पीड़ित करने के टोटके। इस सृष्टि का निर्माण शुभ और अशुभ, प्रेरण अच्छा बुरा, प्रेरण घृणा जैसे दो विपरीत भावों के योग से हुआ है। इन्हें नियंत्रित कर सृष्टि व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने के लिए भी सृष्टि के अपने नियम हैं। समस्या तब आती है जब इंसान व्यक्तिगत स्वार्थ, क्रूर स्वभाव अथवा कारण किसी को परेशान करने के लिए दूसरों की जिंदगी नरक बना देता है। ऐसा कर दोस्तों अगर आप अपने वश में करना चाहते हैं, अगर आपका दुश्मन आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकते हैं। सबसे पहले नज़र उतारने का उपाय दोस्तों है, इसके लिए प्याज का सूखा हुआ छिलका, नमक, राई और लहसुन लेकर जला दें। उसके धुएं को शत्रु पीड़ित के सिर पर 7 बार घुमा दें। इससे छोटी मोटी समस्या दूर हो जाती है। 40 चावल के दाने, 38 साबुत काली उड़द के दाने लेकर एक गड्ढा खोदें और उसमें चावल और उड़द के दाने डालकर गड्ढा भर दें। उसके ऊपर नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय अपने दुश्मन का नाम लेते रहें। इस उपाय को करने से वह आपको तंग करना बंद कर देगा। जब आप शौचालय में बैठे हो, वहीं के पानी से भूमि पर शत्रु का नाम लिखें तथा बाहर निकलते समय उसे अपने पैर से 3 बार ठोकर मारें। आप उपाय तभी करना चाहिए जब आपको कोई रास्ता ना मिले। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन एक मयूर पंख ले और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान प्रतिमा के संदूर लेकर उस पर मयूर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखे और उसे अपने घर के पूजा स्थान पर रखे और अगले दिन सुबह बिना स्नान किए उस पंख को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। शत्रु शत्रुता त्याग देगा। बिना किसी कारण परेशान करने वाले शत्रु से निजात पाने के लिए किसी शनिवार की रात 7 लौंग लेकर 21 बार शत्रु का नाम लेते हुए फूंक मारें। अगले दिन उस लौंग को जला दें। यह उपाय निरंतर 7 शनिवार तक अगर आप करते हैं तो आपका शत्रु आपसे दूर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।